कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल रिव्यू गुरुजी में। आज आप बाइक देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस बाइक का रिव्यू करना जा रहे हैं। द वन एंड ओनली रॉयल इनफील्ड 350 ट्विन स्पार्क, जो कि बेस मॉडल है रॉयल इनफील्ड का। तो ये बाइक मेरे फ्रेंड जतिन जी ने परचेज करी थी अक्टूबर 2018 में। हाँ जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बाइक के बारे में? आपने जब ली, क्या सोचा था लेने से पहले? वैसे मेरा तो काफ़ी पहले से ही ड्रीम कह लो एक तरह से था कि भाई चलानी है तो बुलेट ही चलानी है, रॉयल इनफील्ड पे ही जाएंगे। फिर काफ़ी 2 साल लगे, मतलब कि पैसे वगैरह इकट्ठे होने में ऐसा बहुत टाइम लगा। फिर एक्चुअली ये बाइक भी लोन पे लिया मैंने, तो लोन के टाइम पे भी काफ़ी अड़चने आई, बैंक वालों ने एप्लीकेशन रिजेक्ट की क्योंकि उस टाइम जॉब थी पर उस हिसाब से बजट बन नहीं रहा था, लोन सेंक्शन नहीं हुआ। काफ़ी भटका मैं, पर लेनी बाइक यही थी इसलिए काफ़ी जो ड्रीम हो तो वो पूरा करना ही था। तो इसलिए फिर मैं मतलब कि एक टाइम आया, फिर मतलब पिछले साल अक्टूबर में मतलब क्या था, गॉड का क्या था साथ था उसमें, फिर हुआ, किस्मत ने भी साथ दिया, लोन भी सेंक्शन हुआ और उस टाइम बुलेट ले ली। फिर उसके बाद ब्रांड चलाने में फील आया, मन था, उसके बाद जो मतलब कि हुआ बाइक ली। और रिव्यू वगैरह अगर देखा जाए तो मेरे अभी तक का एक्सपीरियंस है तो इसमें काफ़ी बढ़िया है अभी तक, मतलब कि कंफर्टेबल, रिलायबिलिटी एवरेज, बहुत मतलब कि बेस्ट बाइक कह सकता हूँ अभी तक मैं, बेस्ट बाइक है ये। आपका ड्रीम भी था ना वहाँ जाना है अपने लद्दाख में, इसी में? हाँ, अभी लद्दाख का मेरा ट्रिप था, यहाँ पे जून में जाना था, जून जुलाई में, तो कोई मेरा फ्रेंड का मैरिज का कुछ शेड्यूल बन गया तो मुझे कैंसिल करना पड़ा इसको। तो बस होपफुली आप एक बार जाओ। हाँ, नेक्स्ट ईयर तो मतलब होपफुली मेरा पूरा है, अब वो तो टाइम आता तब पता चलता है कि जाते हैं कि नहीं जाना, पर जाना तो है लद्दाख का एक ट्रिप। तो आपने एक साल मतलब ये बाइक चलाई, तो मतलब आपको क्या मतलब इसके प्रोस जो नज़र आए कि क्या मतलब कैसे बढ़िया ऐसी टेक्नोलॉजी? देखो कोई भी टेक्नोलॉजी है, हर एक टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। बाइक हो, मशीन हो, कुछ भी हम यूज़ करते हैं, इसमें जो इसके एडवांटेज है वो है एक तो कंफर्टेबल, लॉन्ग ड्राइव्स, हिली एरिया कैसी भी हो, उतार चढ़ाव, पत्थर कुछ भी हो, मतलब आराम से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में शिफ्ट कर करके इसको बड़े आराम से इजीली ले जा सकते हो, धीरे धीरे कहीं भी ले जा सकते हो। उसके बाद इसका जो वेट बैलेंस है ये काफ़ी अच्छा है, स्मूथ एकदम चलता रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये किया है जो रॉयल इनफील्ड कंपनी ने, जो इसका इंजन था UCE कर दिया है, पहले CI था। CI में बहुत 3 इंजन होते थे, डिफरेंट होते थे, फ्यूल का अलग, गियर शिफ्ट का अलग, तो ये सारा एक ही में कंबाइन कर दिया, UCE बना दिया गया इसको। पहले तो वो होता था कि ना कि आपके ये जो ब्रेक है वो इस साइड होते थे, एक उल्टा था। अब ये मतलब स्टैंडर्ड जो चल रहा है स्टैंडर्ड बाइक के हिसाब से इसके गियर पैटर्न जो एक तरफ लेफ्ट साइड कर दिया गया है, ब्रेक्स इसकी राइट साइड कर दी गई है। उसमें क्या होता था, राइट साइड पे उसके गियर्स होते थे, लेफ्ट साइड पे ब्रेक होती थी। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, मगर अगर मैं, इन्होंने कभी बुलेट नहीं चलाई है, इनको दे देता CI की बाइक, तो ये चलाते पहले तो उसको समझने में कन्फ्यूज हो जाता है कि भैया कैसे करना है गियर शिफ्ट पैटर्न वगैरह में। UCE इंजन का सबसे बड़ा बेनिफिट लगा मुझे इसका। और डिसएडवांटेज की बात करी जाए इसकी, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी फ्यूल इंडिकेशन, जो अभी तक वो तो है रॉयल इनफील्ड ने अभी तक इसमें दी नहीं। वो नहीं देने का उनका रीज़न इसको एंटीक में रखने का है या फिर इसकी यूनिक पहचान बनाने का है, वो अब वो ही जाने जिन्होंने इनका जो भी ब्रांडिंग करते हैं इनकी। बाकी बल्कि जो इनका भी नया वर्जन आया उसमें भी इन्होंने अभी तक मतलब फ्यूल इंडिकेशन, हाँ, उसका यही उनका यही निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि भाई वो देना नहीं चाहते इसमें, उन्होंने इसको एंटीक के लिए रखा है। अब शायद ये मॉडल भी शायद उन्होंने बंद कर दिया है, अब ये इनका आ चुका है इसमें ABS वर्जन है, ये शायद इनका लास्ट ही वर्जन था इसमें जिसमें विदाउट डिस्क। बट ऐसा नहीं है कि आप लगवा नहीं सकते फ्यूल वो वाला इंडिकेटर, वो आप बाजार से मतलब लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है अगर आप वो लगवाना चाहें तो। तो और क्या आपको डिसएडवांटेज लगा इस बाइक में? एक सबसे बड़ा एक और डिसएडवांटेज कह सकते हैं, पर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो होता है वेट, एक पर्सन का वेट। अगर कोई लाइट वेट इसको चलाता है तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो लाइट वेट इसको ना चलाएं, क्योंकि एक बार
अगर ये किसी मतलब कि अनकंफर्टेबल रोड कह लो या जहाँ पे मतलब कि जो ऐसे मतलब बेकार टेरेन होती हैं जो मतलब आपको हिली एरिया जैसे लद्दाख वगैरह में मिल जाएंगी आपको, तो वहाँ संभालना मुश्किल हो सकता है। वहाँ संभालना अगर बाइक अनकंट्रोल होगी और एक बार मतलब कि मतलब हाथ से गई तो फिर ये संभालना मुश्किल है, क्योंकि इसका वेट एक तरफ अगर गिर गया तो फिर या तो डैमेज बाइक तो होगी होगी और पर्सन की भी इंजरी होगी और घातक इंजरी होगी। तो उसके लिए मैं प्रेफर नहीं कर लाइट वेट, अपना एक एवरेज इसको 70-100 वाला वेट वाला ही बहुत अच्छे से इसको ड्राइव करेगा, उसके लिए बेस्ट बाइक रहेगी। तो भाइयों इन्होंने रिव्यू मेरे बगैर शुरू कर दिया। अच्छा जी जी क्या बात है, भाई को भूल गया और क्या। तो चलो भाइयों ने इंट्रोडक्शन वगैरह अभी तक कर दिया, सब कुछ कंप्लीट मैक्सिमम खत्म कर ही दिया, मेरे लिए कुछ काम ही नहीं छोड़ा, अब तो सिर्फ एडिटिंग का बचा है भाई। कर भाई, आप पे और भी काम है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। भाई इंट्रो वगैरह तो सब कुछ कर ही दिया, तो मेरा बोलना कुछ बच्चा ही नहीं है। खागे भाई ठीक है यार, दो प्यार है। तो अभी तक जो युविन भाई ने इंट्रोडक्शन दी है वो बुलेट की, और भाई का नाम है आपका यार जतिन। जतिन भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो भाई ने आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए होंगे, बाकी कुछ चीज़ें जो मेरे को बुलेट देख के अच्छी लगी हैं थोड़ा सा मैं आपको वो इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, और कुछ एक ऐसी चीज़ जो मेरे को इसमें थोड़ी सी खामी लगी, बट यार अब जो मॉडल में आ रही हैं वो आ रही हैं, क्या कह सकते हैं कंपनी को, वो जब कंपनी ही नहीं दूर कर रही है तो हम उसका नहीं कर सकते, बट हम आफ्टर मार्केट जो चीज़ ठीक कर सकते हैं उसका बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या चीज़ कैसे कर सकते हो। और चलो वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो जतिन भाई आफ्टर मार्केट आपने इसमें क्या चीज़ें ऐड करवाई थी? इसके बाद मैंने इसका अलॉय डलवाए थे, ठीक है, और लाइट चेंज करवाई थी बैक लाइट, और अभी है मुझे इसका प्लान, मैं एक इंडिकेटर इसके मैंने चेंज कराने हैं, ठीक है, वो मतलब कि वही है, एक बार बाइक रख लिया तो उसके बाद धीरे धीरे इसका इंप्रूवमेंट चलती रहती है नॉर्मली। तो, और एक आपने साइलेंसर भी करवाया है, एक साइलेंसर भी, हाँ वो मतलब पंजाबी ढोलकी ओरिजिनल था, तो उसके भी भाइयों आपको साउंड सुनाते हैं। बट एक चीज जतिन भाई ने आपको अभी बताई है कुछ टाइम पहले कि इसमें फ्यूल इंडिकेशन नहीं है, उसका एक सिंपल सा यार सॉल्यूशन आजकल चल रहा है, जैसे कि यार एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर मार्केट में आ गए हैं, जो आपका वो मीटर होता है ना स्पीडोमीटर, उसको अगर आप चेंज करके लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो कि आपको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट वो कंपनी रिलायबल नहीं देती, तो उसकी वारंटी आपको प्रोवाइड नहीं करती, वो आप अपने रिस्क पे लगाएं कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाती है खुदा ना खास्ता, तो वो कंपनी फिर बोल देती है कि आपने ये चीज़ें पंगे ली हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि यार जो जेन्युइन चीज़ है उसके साथ छेड़खानी करी जाए, जो है सो है, हमारे को जो चीज़ मिली है बढ़िया है यार, बाकी लोकल के लिए अभी तो फिलहाल लॉन्ग ट्रिप्स के लिए तो लॉन्ग ट्रिप अभी करा नहीं है, बट श्योरली इन फ्यूचर करेंगे, है। करेंगे तो भाई जाएंगे लॉन्ग ट्रिप्स पे, बाकी आपको अलॉय दिखाते हैं, पंजाबी ढोल के दिखाते हैं, प्लस भाई ने बैकटेल की लाइट चेंज करवाई है, वो पैनल ही पूरा चेंज हुआ था, वो पैनल ही पूरा चेंज पैनल चेंज हुआ था, वो चीज़ें आपको अभी दिखाते हैं। और एक और चीज़ इसमें कौन जो आपको थी कि टैप साउंड इसकी है, इसमें सिर्फ यार एक छोटी सी कमी है कि इसमें ना जो टैप की साउंड होती है वो काफ़ी टाइम बाद आ जाती है, बट अगर उसको हम प्रॉपर मेंटेन करके रखें तो वो बेटर चलता है। तो चलिए बाकी अलॉय वगैरह पे नज़र मारते हैं, बाकी युविन भाई वीडियो कर ले बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों मारते हैं अलॉय पे नज़र। तो भाई ने ये वाले अलॉय लगवाए हैं, तो भाई इन अलॉय को क्या बोलते हैं, क्या नाम क्या है? प्राडो लॉय। तो इसका रिस्पांस कैसा रहा आपको? ठीक है, अभी तक का इसका रिस्पांस सही है, अभी तक बाकी नहीं मिला। भाई ने ये पंजाबी ढोल की डलवाई है छोटे वाली, जिसके साउंड बड़ी ज़बरदस्त होती है, बट अगर आप जैसे चंडीगढ़ वगैरह एरिया में जाए या कहीं आपको पुलिस पकड़ती है तो भाई आपको वो गिफ्ट दे सकती हैं इन केस आपका क्या कहते हैं उसको, चलान। तो ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से ये चीज़ आज की डेट में इलीगल कर दी गई है जतिन भाई, बट यार नॉर्मली हमने चलना है, हम एरिया पे डिपेंड है, और अपने आप चलाने चलाते कैसे हो, अगर ये मतलब कि अगर रफली चलाओगे तो आवाज़ अभी से बहुत ज़्यादा करेगी, पुलिस इजीली डिटेक्ट करेगी और तुम्हें पकड़ लेगी, अगर इसमें भी अगर नॉर्मली अगर चलाया जाए तो ठीक चल जाती है, मतलब इको फ्रेंडली कहूँगा मैं, पर जब रूल है गवर्नमेंट का तो रूल है, उसको हम नहीं बदल सकते। बाकी भाई ने एक और चीज़ करवाई है, जो क्लासिक वाली टेल लाइट होती है वो भाई ने डलवाई है, जो स्टैंडर्ड की निकलवा के, भाई को ये चीज़ पसंद आई तो भाई ने करवाई, बाकी भाई की दिल की इच्छा होती है, आपकी एक अलग इच्छा होती है कि क्या आप करवाना चाहते हो।
बाकी ऑल ओवर बुलेट ये है, प्यारा है। बाकी भाई ने अभी साल के अंदर रेयर ही चलाया है, ये देखिए। अगर हम अब सर्विस कॉस्ट और एक कहते हैं ना कि बुलेट को लेना और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस रखना, कि उसको रखने का खर्चा जो लोग बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जतिन भाई से। तो जतिन भाई, इसकी फर्स्ट एवरेज जो कंपनी कहती है कि हम फ्री कर रहे हैं, वो फ्री नहीं, एक टाइप से पेड ही होती है, पेड ही होती है। तो उसमें आपको क्या खर्चा पड़ा था? देखो, फ्री खाली वो लेबर होती है जो वहाँ पे काम करते हैं इसके ऊपर, बाकी इसकी ऑयलिंग, इसका फिल्टर, इसके ब्रेक शू, जो भी चेंज पार्ट चेंज होगा वो एक एक का पैसा लिया जाएगा तुमसे। वो अराउंड ऑलमोस्ट आपका 1200-1300 रुपये का बिल बनता है फ्री सर्विस। ठीक है। और अगर हम मंथली लगा के चलें या टू मंथ्स के अंदर इसका कोई खर्चा वगैरह, जैसे शू पैड्स वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है? वही हैवी ब्रेक है, ब्रेक पिंक ज़्यादा लगती है, जोर से लगती है तो इसके ब्रेक जल्दी घिस जाते हैं, तो शू ब्रेक का इसका खर्चा तो आएगा नॉर्मली है कि ये तो अगर आपने बुलेट रखना है तो यार थोड़ा सा खर्चा तो ये शौक के आगे पैसा नहीं देखा, शौक के आगे पैसा नहीं देखा जाता। और ये तो मैं कहूँगा, जहाँ शौक आ गया ना वहाँ फिर पैसा भूल जाओ, पैसा आपने पैसा देखना शुरू कर दिया ना वहाँ आपके शौक फिर धरे के धरे रह जाएंगे। तो अगर हम इसकी अब एवरेज की बात करें तो कि नॉर्मली आपको एवरेज क्या दे रहा है? इनिशियली इसकी एवरेज थी, जब बुलेट परचेज करी थी ये बाइक कब आ रही थी, ऑलमोस्ट 30+ 35 तक कहूँगा अगर मैं स्मूथ किसी रोड पे चलता हूँ हाईवे पे। बट जैसे जैसे मतलब सर्विस खुली, मतलब करवाया गया, 2-3 सर्विस हो चुकी है, 4 सर्विस हो चुकी है अभी तक इसकी, और अब इसकी एवरेज 40+ आती है इन मतलब हाईवेज, इन हाईवेज अगर हम अगर लगा के चलें कि कंटिन्यूअस एक स्पीड पे हम चल रहे हैं तब 40+ दे देगी। और अगर आप विद इन टाउन या फिर किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे काफ़ी रास्ते वगैरह ख़राब हैं, या आपको बार बार छोटे गियर पे मतलब चलाना पड़ता है, जो शिफ्टिंग वगैरह आपकी नॉर्मली हो रही है उसमें थोड़ी कम भी हो सकती है, वो अभी मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, पर 30+ लेके चल सकते हो आप। ठीक है। तो मतलब शौक है, पैसा तो मैंने नहीं रखता हमारा तो। फिर बाकी ये तो कुछ आ ही जाता है कि ये चीज़ लिया तो फिर इतना पैसा तो जायज़ है लगाना। तो टोटल जब आपने लिया था तो क्या कॉस्टिंग रही थी ऑन रोड? ऑन रोड इसका शोरूम प्राइस है 1,15,000-16,000 1,16,000। उसके बाद आपको इसकी इंश्योरेंस पड़ेगी 8,000-9,000 की पड़ेगी, जिसमें एक साल आपको टॉप वो रहता है बंपर टू बंपर, और 4 साल आपका रहता है TPA थर्ड पार्टी। और अगर इसकी फिर RC बनी थी अराउंड 9,000 की। ठीक है। तो ये हो गया इसके आपका ऑलमोस्ट 1,35,000 के अराउंड पड़ जाएगी इसकी टोटल ऑल ओवर अराउंड, उस पर अगर हम ऑन रोड देखा जाए तो। बाकी ऑन रोड रिस्पांस वगैरह की, जैसे कई होते हैं कि कई रोड्स वगैरह पे कंफर्टेबल लेवल वगैरह, लॉन्ग रूट वगैरह पे कंफर्टेबल? हाँ, वैसे तो कंफर्टेबल है, अभी तक तो कुछ इशू मिला नहीं है। बाकी इसके रिव्यूज़ वगैरह है जो मैंने बाहर से सुने हैं तो वो भी ऐसे ठीक ही मिले हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो बाकी भाइयों, कोई कमी लगी है, कोई चीज़ बुरी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और लोकेशन का भी नज़ारा, बाकी आपको लोकेशन दिखाते हैं, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है यार। ये हमारी कुशल्या नदी जा रही है और एक डैम का आपको छोटा सा व्यू भी दे देंगे साथ के साथ। यार मेरे को एक चीज़ ना छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि यार हमारे पास इतनी बढ़िया लोकेशन है, लोग इस लोकेशन के लिए तरसते हैं। नीचे से जो चंडीगढ़ वगैरह आते हैं नॉर्मली आते हैं, तो यार ये देखो लोगों ने क्या गंडाल रखा है यार। वहाँ पे वो चल रही है आफ्टर मार्केट पार्टी, दारू वातू वातू। तो यार थोड़ा सा अगर चलो मानना कि यार एंजॉय करने लायक जगह है, उसको साफ सुथरा रखो, आपके पास इतनी अच्छी जगह है तो आप साफ रखोगे कल को आप भी लोग आओगे यहाँ पे, फिर वही चीज़ आपको ना मिले तो फिर गलत हो जाएगा आपके साथ भी। आप इतनी दूर आओगे आप कहोगे यार ये तो गंद पड़ा हुआ है, तो इससे बढ़िया है जहाँ जाओ अपना कचरा अभी पॉली बैग में लेके साथ ही चले जाओ या किसी डस्टबिन में फेंक दो, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के एनवायरनमेंट को उन चीज़ों से फ़र्क ना पड़े और वो बिल्कुल जैसा है बना हुआ नेचर वैसा ही रहे, इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं, हम वैसे ही चलें। तो आज की वीडियो करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो।